अहमदाबाद में जब आए थे तो वो एक्चुअली मेरे एक चाचा जी है जो यहाँ पे नहीं है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको अरमान मलिक जो कि बिग बॉस में गया हुआ है उसकी कुछ काली सच्चाई बताने वाले हैं। और दोस्तों उसकी कुछ ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि भैया ये किस तरीके की फैमिली है और इसे आखिर बिग बॉस में क्यों बुलाया गया है और ये आखिर लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने वाले हो। तो अगर आपको जो अरमान मलिक और कृतिका मलिक और पायल मलिक अगर पसंद है तो इस वीडियो को आप अभी भी स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर उनकी क्या है सच्चाई तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आखिर जो है इनकी क्या है सच्चाई। और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये अपनी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनको छुपाने के लिए बिग बॉस में गए थे, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि इनका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो वापस से जो है काफ़ी ज़्यादा उजागर हो रहा है और कई सारे लोग इनके ऊपर अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आइए हम आपको एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आखिर जो है इन लोगों की क्या है सच्चाई। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक ही बात बोलूंगा कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम आपको दिखाते हैं उनकी वो सारी क्लिपें और वो सारी रिकॉर्डिंग जो कि किस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थे तो वो एक्चुअली मेरे एक चाचा जी है जो यहाँ पे नहीं है। दे हैव सेटल्ड इन यूएसए सिंस सो मेनी इयर्स। सो उनका घर था, उनके घर में ये लोग किराए पे रहते थे। तो व्हाट दे हैव डन कि किराए के घर पे तो वो लोग रहते थे, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आती थी। एंड द थिंग इज कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट हाउस, कि अगर किसी को रेंट पे देना रहता है या नहीं, किसको देना है किसको नहीं। तो उस टाइम पे कृतिका के नाम से, कृतिका पहले आई, वो बोल रही है कि मैं अकेले रहने वाली हूँ मेरी दोस्त के साथ। देन उसके बाद थोड़े दिन में वो अरमान का आना जाना शुरू हो गया उस फ्लैट में। देन उसके बाद अरमान वहीं रहने लगा, कि वो रात को आता था 2-3 बजे और लाइक पूरा दिन वहीं पे रहता था, फिर शाम को चला जाता था। और नेबर्स यही मैं एकदम कह उसे रही ताने हूँ, लगे, यही कह नेबर्स रही हूँ कि कंप्लेन। इन्होंने अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड छुपाने के लिए कृतिका से शादी की है। क्योंकि तो कहीं भी आप जाओगे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, और इन दोनों का है। अगर आपको याद होगा पायल के 1 मंथ में ये लोग दिल्ली आए थे, जिसमें जिस टाइम पायल प्रेग्नेंट थी और कोर्ट से ये लोग हॉस्पिटल गए थे। उस टाइम कृतिका नहीं थी, पायल की तबीयत खराब हो गई थी शायद, और उस टाइम ये 30,000 ही कोर्ट में थे। इन्होंने कहा था दोनों ने कि हम लोग वहां हैं और अब यहाँ पायल की तबीयत खराब हो चुकी है और ये लोग हॉस्पिटल गए। उस टाइम कोई और वकील भी इनके साथ थी। हाँ, और गुजरात तो ड्राई स्टेट है, यहाँ पे तो इवन शराब भी अलाउड नहीं है। सो उनके घर बिल्कुल पे रोज रात को ये सब आवाज़ें और वो सब रहती थी, रेसिडेंशियल्स की, आजू बाजू के लोगों की हमेशा कंप्लेंट्स रहती थी कि आपको इन घर से निकालो, उन घर से निकालो। देन हमने उनको टाइम दिया कि 1 महीने में आप घर खाली करो। सो उस दिन क्या हुआ कि सडनली वो अरमान हमारे घर आया रात को। ये बात है अराउंड 2016 और 17 की, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो उस दिन रात को घर आया, एंड देन उस टाइम पे हुआ क्या कि वो शायद नशे में था या पता नहीं, लेकिन वो जोर जोर से बेल बजाने लगा। और हमारा एक पूरा रेसिडेंशियल एरिया अलग है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पूरा सिक्योरिटी एंड ऑल। सो उसने गेट पे ऐसे बोला कि मैं रेंट देने के लिए आया हूँ, मुझे मिलना है। सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया, बिकॉज आई वॉज द ओनली पर्सन, लाइक आई वॉज अलोन एट दैट टाइम। मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन थे, तो सिक्योरिटी ने मना किया। सिक्योरिटी से झगड़ा करके वो आया, एंड लकीली कि मेरे घर में सीसीटीवी फुटेजेस थे कि वहाँ पे वो मुझे दिखा कि वो आ रहा है। एंड देन आई हैवेंट ओपन द डोर, मैंने उनसे उनको सिर्फ वहीं से बोल दिया कि आप चले जाओ, जब मेरे पेरेंट्स आए तभी आना, रेंट देना है जो भी देना है, जो करना है तब करना। एंड वॉट दे हैव डिड कि उन्होंने 1 महीने की मोहलत तो दी थी, वो लोग चले गए, नेक्स्ट वीक ही चले गए। लेकिन जब अराउंड 1 महीने या 2 महीने बाद जब हम दूसरे किसी रेंट वाले को ढूंढा, हम उनको घर दे रहे थे, तभी पुलिस आई। एंड वी वर शॉक कि पुलिस क्यों आई है यहाँ पे। एंड देन व्हाट हैपेंड, दे हैव उन्होंने एक फर्जी कागजात बनवाए, और जो मेरे चाचा का घर था वो फर्जी कागजात बना के किसी और को बेच दिया लिटरली। एंड द प्राइस वॉज अराउंड 80 लैक्स रुपीज, 80 लैक्स रुपीज लेके वो लोग अहमदाबाद से गायब। और पुलिस वेरिफिकेशन में कृतिका का नाम, कृतिका की आईडी गलत, एवरीथिंग वॉज अ फ्रॉड।
एंड स्टिल वो घर अपने नाम करवाने के लिए माय अंकल इज ट्राइंग कि वो लोग यूएस से यहाँ पे वापस आ रहे हैं 6 6 महीने के लिए कोर्ट में जो केस चल रहा है वो, क्योंकि जो नया इंसान है जिसके पास फ्रॉड हुआ है उसने भी 80 लाख रुपए दिए हुए हैं. सो ये स्टिल दिस थिंग इज गोइंग ऑन. एंड मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये रेफरेंस दिया कि ऐसे कुछ लाइव चल रहा है, इन लोगों का कुछ चल रहा है, दे आर डूइंग ऑल दिस स्टफ. एंड देन आई गॉट टू नो कि ओके अच्छा ये लोग इतनी बड़ी जगह पे पहुंच चुके हैं ये सब घपला करके. सो दिस इज लाइक मैं तो शॉक ही रह गई जब मैंने ये सब सुना पूरा लाइव. मैंने 3 दिन से तो मैं लाइव ही सुन रही हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज द सिनेरियो. एंड देन आई गॉट टू नो इट्स लाइक लकीली आई एम सो लकी कि मैंने उस दिन दरवाजा नहीं खोला, गलती से भी नहीं खोला. सो आई वाज लाइक सो शॉक आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस. सो या कीप इट अप मैम, एंड जो शॉक भी कर तो रहे हो आप जो भी कर रहे हाँ हो यू आर डूइंग, मतलब जहां से भी हो आपके जो भी भगवान है मे गॉड ब्लेस यू फॉर दिस. एंड द थिंग इज कि बस ये सब जल्दी से बाहर आए, उन लोगों का ऑलरेडी सब पाप का गड़ा पड़ चुका है. मैम, इतना सब मतलब कुछ करके सोशल सॉरी गो ऑन, आप बात कीजिए, मैं मैम साथ में इतना खाना खा सब रही हूँ कुछ ना, मैं आधे मिनट खड़ी हूँ, बात करो। ओके ओके, इतना सब कुछ करके इतना ओपनली सोशल मीडिया पे कोई कैसे आ सकता है मैम? पता नहीं कैसे क्या, मतलब मैंने जब देखा है वो सो शॉक. इवन सोशल मीडिया पे भी आई एम नॉट मतलब इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ. मैंने जब यहाँ पे देखा कि दे आर लाइक लिटरली उनका रील्स एंड ये ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल्स इन्फ्लुएंसर की तरह बोल रहे हैं, व्हेन दे वर इन अहमदाबाद वो कुछ नहीं थे, लाइक दे वर लिटरली डूइंग नथिंग, वो सिर्फ घर पे ही रहते थे. इवन वी वर शॉक्ड जब पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने उनको रेंट पे दिया था, तो हमने कृतिका ने ऐसा बोला था कि मेरा यूनिवर्सिटी है इधर, मैं यहाँ पे जॉब करूंगी, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो माई डैड वॉज लाइक कि चलो मेरी बेटी है वैसे कोई एक बेटी आई है यहाँ पे पढ़ने के लिए तो दे देते. यूजुअली हम लोग देते ही नहीं थे. पापा वाज लाइक कि अच्छा है हम किसी फैमिली को दे तो घर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बैचलर्स की वजह से घर में सफाई और वो सब नहीं रहता. सो माय डैड वाज लाइक कि चलो एक लड़की आई है उसको हेल्प रहने के लिए जगह चाहिए, 2 लड़कियां ही रहने वाली है, बट वी डिडंट नो मैम, कि ये कौन से सब एयर की होगा. बात है? मुझे प्लीज एयर बताइएगा, कौन से एयर की बात है? ये 2016 की, 15 या 16 की बात है, 15 एंड में 15 का कुछ नवरात्रि थी यहाँ पे. सो इट्स लाइक गुजरात में नवरात्रि मतलब अराउंड अक्टूबर सितंबर अक्टूबर की बात है. अच्छा, तो कंप्लेन हुआ था मैम, वो केस किया था आपने कंप्लेन अगेंस्ट इसके? यस कंप्लेन किया था, लेकिन वो मिसिंग रिपोर्ट अहमदाबाद से हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने जब अग्रीमेंट किया था ना तब रितिका कृतिका वो सेइंग कि मेरे पास अग्रीमेंट करवाने के पैसे नहीं है अंकल, सो मैं आपको एक रिटर्न पे दे सकती हूँ, कि मैं जैसे ही आप नोटिस करोगे पुलिस वेरिफिकेशन में भी दे सकती हूँ. एंड द थिंग इज कि पुलिस वेरिफिकेशन में भी उन्होंने गलत फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए थे और पुलिस वाले को भी पैसे देकर चुप करवा दिया था.